हम सब चमत्कारों में लगे हुए हैं। हनुमान जी से प्रार्थना कर रहा है, बाबा जी लॉटरी लगवा दो, लॉटरी लगवा दो, लॉटरी लगवा दो। कहते हैं हनुमान जी एक दिन प्रकट हुए और गदा लेके बोले कि कम से कम टिकट तो खरीद, या ये भी मैं ही दूंगा लेके, थोड़ा बहुत तो कर्म कर। हम कर्म करने को तैयार नहीं है। और कोई बाबा जी मिल जाए तो सब उनके पास, वो ज्ञान व्यान की बात नहीं करते, ज्ञान की बात थोड़ी देर करते हैं, उसके बाद कहते हैं महाराज आके बताना क्या होने वाला है, कोई चमत्कार हो जाए। भगवान को भी अच्छे से इस्तेमाल कर लेना चाहते हैं हम लोग, बस ये पता लगना चाहिए मंदिर आजकल कौन सा ज्यादा अच्छा चल रहा है, कौन सा तीर्थ आजकल ज्यादा पॉपुलर है। देवता बदलने में, इष्ट देव बदलने में एकदम तैयार बैठे लोग, चार जगह होकर आए उसके बाद भी कहते हैं काम नहीं बन पा रहा। और लोग कहते हैं कहाँ कहाँ गए थे, वैष्णो देवी भी गए थे, तिरुपति बालाजी भी गए थे, बोले साईं बाबा और ट्राई करके देख लो। जगह जगह लेके जाएंगे लोग, और साईं बाबा के बोले गए तो थे जी बात नहीं बनी, नहीं तुम वहाँ शनि सिग्नापुर नहीं गए थे, वहां तेल वेल नहीं चढ़ाया, और शनि की भी तो करनी चाहिए थी पूजा। दुनिया भर में घूमते जाइए, जब तक आपके अंदर ठीक नहीं होगा तो बाहर भी ठीक होने वाला नहीं है, इसलिए अपने आप को अंदर से ठीक करो। मैं भी चमत्कारों की बातें कर सकता हूं, उसमें पैसा बहुत मिलता है, बड़ा फायदा होता है, लाइन लगती है लोगों की। चमत्कारों की बात करिए, बहुत पैसा देने वाले आ जाएंगे, ये बाबा जी बहुत अच्छा चमत्कार करते हैं, एकदम इतना लाभ होता है, लाइन लग जाएगी, आप 50,000 रुपए की एंट्री रख दीजिए मिलने वालों की, और चार आदमी किराए के खड़े कर दीजिए जो तारीफ करें, मुझे ये लाभ हुआ था, मुझे वो लाभ हुआ था, अखबार में बड़े बड़े फोटो छाप दीजिए, आज ही सबके दुख दूर करेंगे। लंबी लाइन लगेगी और पैसा खूब आएगा, लेकिन आप एक बात सोचिए, अगर धर्म का कार्य भी धन कमाने के लिए या फिर लोगों को धोखा देने के लिए है, इससे तो अच्छा कोई फिर बिजनेस कर लो भाई, जा करके ये काम धंधा छोड़ दो। इस काम धंधे में भी अगर आप इस धर्म वाले क्षेत्र में भी आके किसी को आप बरगला रहे हैं, इससे बड़ा गुना दुनिया में नहीं हो सकता। लेकिन ग्रंथों का नाम ले ले कि नहीं यहाँ लिखा वहाँ लिखा, कहीं भी नहीं कुछ लिखा हुआ। नहीं तो गीता में भगवान कृष्ण बता देते ये ऐसे करने से ये चमत्कार हो जाएगा, आज ही सब पैसा मिल जाएगा, वेद शास्त्रों में लिखा हुआ होता, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ ऐसा। वो एक गांव में एक बाबा जी पहुंच गए, जैसे वहां गए तो चेले उनके बोले महाराज सूखे सूखे गांव से निकलते रहे, यहाँ के लोग जो है सूखी रोटियां देते रहे, घी भी नहीं लगा के दिया, तो महाराज कोई ऐसा चमत्कार करो, कोई हलवा पूरी मिले, खीर वीर मिले, कुछ अच्छे से स्वागत हो, कोई चमत्कार दिखा दो। बाबा जी बोले बेटा चमत्कार दिखाएंगे तो भारी पड़ेगा। नहीं नहीं कुछ कर दो ना, कि आज हाथ हिलाया और बारिश हो गई। बोले बेटा ऐसा करने में मुश्किल पड़ती है। नहीं नहीं आज तो चमत्कार दिखाना पड़ेगा। बोले अच्छा जाओ गांव में मुनादी कर दो। बाबा जी आए हिमालय से चल के, बस चमत्कार करते हैं, बारिश करवा सकते हैं, किस्मत बदल सकते हैं, जिंदगी बदल सकते हैं। लोग आ गए लाइन में लग गए, महाराज बारिश करवाओ। बोले जिस जिसने बारिश करवानी हो लाइन में आ जाओ, और इतना चढ़ावा देना है, इतना ऐसे खिलाना पिलाना, ऐसे सेवा करनी है। बाबा जी बोले जिसने भी अपना संकल्प करना है वो आगे आ जाओ। तो एक चौधरी आ गए आगे, उन्होंने कहा महाराज हमारे खेत में बारिश करवा दो। अच्छा अपने खेत का पता दो। खेत का पता भी ले लिया। अच्छा अब जो है हम पूजा में बैठेंगे और तुम अच्छा पकवान तैयार करवाओ। पूजा में ये बैठ गए तो इन्होंने आपस में सलाह की कि ऐसा खा पी के रात में जब सब सो जाएंगे तब भाग जाएंगे। निर्णय तो ठीक किया था, लेकिन चौधरी भी बड़ा कमाल का था। वो पूजा वाली जगह कमरे में अंदर बैठाया और दरवाजा जो है वो बंद करके उसके आगे जंदरा लगा के वहीं सामने खाट बिछा के हाथ में लाठी पकड़ के बैठ गया। महाराज पूजा यहीं करनी है और यहां से हिलना नहीं जब तक बारिश ना हो जाए। अब चेले जो है कान में जाके बोले ये तो बहुत भारी पड़ेगा महाराज, पीटेगा बात।
अब बारिश तो करानी है। गुरुजी भी थोड़े तेज थे, उन्होंने कहा ऐसा है, देखो चौधरी तुम्हारे खेत का पता तो हमको मालूम हो ही गया, मैं यहाँ बैठ के बारिश के लिए प्रार्थना करूंगा, चेले लोग जो है खेत में जाके वहां मंत्र पाठ करेंगे, क्योंकि हमने गांव का तो ठेका ले नहीं रखा, तुम्हारे खेत में बारिश होगी। अब चेलों ने कहा गुरुजी हम भाग जाएं, बोले बेटा भागना नहीं, मैं यहां बैठा हुआ हूं। सारी रात चेलों ने घड़े उठाए और एक तालाब से पानी भरे, खेत में जा जा के डालें, पूरे खेत में पानी डालते रहे, सारी रात उन्होंने काम किया। सवेरे चौधरी बोला उठकर, बाबा जी बारिश तो हुई नहीं। बोले तुम्हारे खेत का ठेका लिया था ना, वहाँ जाके देखो, पूरा गांव वहाँ जाके देखता है तो वहाँ तो पानी भरा हुआ, अब तो इतनी लंबी लोगों की लाइन लग गई। बोले महाराज अब न्योता हमारे यहाँ का, दूसरा कहता हमारे यहाँ भी बारिश करनी है। चेले एकदम हाथ जोड़ के बोले, बोले गुरुजी अब अगली बारिश आप कराओगे, अब हमारे बस के नहीं, कंधे छिल गए महाराज सारी रात गड़े ढोते ढोते, अब अगर अगली बारिश करवानी है तो आप ही देख लेना। वो बोले बेटा ऐसा है, अब हमारा निमंत्रण जो हिमालय से आ गया, अब हम उधर चलेंगे, वहां जाएंगे, फिर जब आएंगे फिर बारिश करेंगे। आप समझ सकते हैं बहुत तरह के धोखेबाजी दुनिया में है। केवल केवल मात्र परमात्मा के नाम में ही शक्ति है, सच्ची लगन लगाओ, किस्मत बदलेगा तो भगवान बदलेगा, इंसान कोई नहीं बदल सकता। और हर एक आदमी को प्रशिक्षण अगर कोई लेना है तो एक बात का प्रशिक्षण लीजिए कि अपने अंतःकरण को, अपने आपे को कंट्रोल में करना सीखो, मन में शांति लाना सीखो, सच्चे दिल से बैठकर सच्चा भरोसा करके मांगो तो सही, वो दया करेगा, उसके देते हुए के हाथ नहीं दिखाई देंगे लेकिन झोली भरी हुई जरूर दिखाई देगी। उसके मदद करने के तरीके अलग तरह के हैं, पर इतना जरूर ध्यान रख लेना कर्म अपना जरूर करना है आपने, सही दिशा में कर्म हो सके आपका, इसलिए बुद्धि सुबुद्धि रह सके, ये प्रार्थना भी भगवान से करो कि मेरी बुद्धि को सुबुद्धि बनाना भगवान, सही योजना हो, सही प्लानिंग कर सको, अच्छी योजना के साथ मेरे कर्म ठीक हो और मुझे उसी दिशा में लेकर के जाना जहां से सफलता मिले। तो प्रार्थनाएं भी करो, कर्म भी करो, हर दिन कुछ नया सीखने की तैयारी भी। और एक बात और, लोग मेहनत करके घर में धन ले आएंगे, बढ़िया मकान भी बना लेंगे, लेकिन उसका सुख ऐसे नहीं मिल सकता, गाड़ी का सुख, घर का सुख, संतान का सुख, वो वफादारी, वो प्रेम, ये उसकी कृपा से मिलता है। भले ही छोटा घर हो आपका, लेकिन प्रेम का मंदिर बन जाए, आपके पास छोटी सी गाड़ी हो, उसी से दुनिया में घूम के आप आ जाओ और अपने घर में खुशी लेकर आ सको, वो सुख जो है उसकी कृपा से मिलता है। एक तरफ आपका कर्म और एक तरफ उसकी कृपा, तो अपनी प्रार्थना भी करो, भक्ति भी करो, और अपने घर का वातावरण बदलने के लिए, सात्विक वातावरण बनाए रखने के लिए कोई ना कोई ग्रंथ का प्रकाश घर में करिए, कोई अच्छा ग्रंथ पढ़ना। नहीं कुछ कर सकते रोज तो एक आप गीता अपने घर में रख लें, उंगली डालें उसमें, कहीं से भी पेज खोलें, पेज खोल के जो कुछ उसमें लिखा है उसे पढ़ें और समझें आज का संदेश भगवान ने हमारे लिए यही दिया है। तो अगला श्लोक है जहां भगवान ये कहते हैं, प्रसादे सर्व दुखानां हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेत सोह्याशु बुद्धि पर्यावस्तिष्ठते। अंतकर्ण जिसका नियंत्रण में आ गया और जो अंदर से प्रसन्न रहना सीख गया, ऐसे व्यक्ति को आंतरिक प्रसन्नता आ गई, अपना आपा भी अंदर से उसके वश में है, तो उसके दुख भी कम होने लग जाते हैं। मतलब धन्यवाद करके जीने वाला अंदर से खुश मिजाज व्यक्ति बाहर भी प्रसन्नता का वातावरण बनाना शुरू करता है।
शिकायती व्यक्ति अपने जीवन में रिक्तता खालीपन को बढ़ाता है। जैसे जैसे आप धन्यवादी बनते हैं, अंतकरण आपका प्रसन्नता से भरा हुआ है, वातावरण में भी प्रसन्नता आने लग जाएगी। वे लोग जो अंदर से मजाकिए होते हैं, अंदर से खुश रहते हैं, उन्हें हर जगह कोने कोने में आपको कुछ न कुछ ऐसी चीजें मिलती रहेंगी हंसने हंसाने की। जिनके अंदर जलने जलाने की आदत है, उन्हें दुनिया के हर कोने में कुछ न कुछ ऐसी चीज मिल जाएगी जिसको देखते ही एकदम उनके अंदर आग जलने लग जाएगी। वो अच्छे से ज्वाला प्रसाद बन जाते हैं। वैसे ज्वाला प्रसाद का मतलब बहुत अच्छा होता है। जो ज्वाला देवी या जगदम्बा या ज्योति स्वरूपा जो माँ है, उसकी कृपा जिसके ऊपर, वो ज्वाला प्रसाद है। लेकिन जो हर समय जले भुने रहें, हर समय अपने आप को दग्ध किए रहें, किसी भी बात से गुस्सा आ जाए, ऐसा नहीं होना। अपने आप को प्रैक्टिस करनी है। देखिए, आपका दिल एक ऐसी जमीन है जिस पर जो कुछ बोओगे आप, वही उगना शुरू हो जाएगा और बहुत तेजी से उगता है। नफरत बो, वो उगाएगी। प्यार बोइए, वो उगाएगा। प्रसन्नता के बीज बोकर देखिए, ऐसी खेती उगेगी, चारों तरफ लहर बहर हो जाएगी। तो वही बो जो फसल उगाना चाहते हो, जो पाना चाहते हो। अपने आप का अपना फोकस वहीं केंद्रित कर लीजिए। आप अपने आप का मन वहीं टिका लीजिए। जो चीज़ें जिंदगी में चाहिए, तो क्या चाहिए आपको? प्रसन्न रहना, शांत रहना, खुश मिजाज रहना, आपके चेहरे पर हर समय प्रफुल्लता रहे, ताजगी रहे, घर में शांति रहे, आप सुखी हों, आपके अंदर सहन शक्ति भी हो, आप एडजस्ट करना भी जानते हो, दूसरों से भी एडजस्ट करा सकते हो, एक दूसरे का मान रख सकते हो, आपके पास में सुरक्षा के साधन भी होने चाहिए, आपके पास सुविधा के साधन भी होने चाहिए, आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ का वातावरण खुशहाल और अनुकूल वातावरण हो, ये सब चीज़ें आप मन यहाँ टिकाइए। धीरे धीरे वो चीज़ें आपके आसपास इकट्ठी होनी शुरू हो जाएंगी। और अगर आपका मन केंद्रित होता है हर समय कि जा तो रहा हूँ, पता नहीं काम बनेगा नहीं बनेगा, जा तो रहा हूँ समझौते के लिए, कहीं झगड़ा ही ना हो जाए, जा तो रहा हूँ पैसे लेने के लिए, कहीं ऐसा ना हो वो दे ही नहीं, तो ये नकारात्मकता है। ये नेगेटिव अप्रोच जितनी आपके अंदर होती जाती है, तो आप देखेंगे वही चीज़ें उभरनी शुरू हो जाती हैं। तो आपको कल सुबह जब मैं कार्यक्रम में बैठाऊंगा ना, तो क्या मांगना और कैसे मांगना, किस तरह से आप अपने आप को ट्रेंड करोगे, वो चीज़ आपको बताना चाहूँगा। उस समय आप बैठना जरूर, कागज पर नोट भी करना, लेकिन इस समय एक बात भगवान श्री कृष्ण की, उसे आप लोग जरूर ध्यान देंगे। भगवान ये कह रहे हैं कि अंतकरण की प्रसन्नता होने पर इस व्यक्ति के, जिसका अपना आपा वश में है, और दुखों का अभाव होना शुरू हो जाएगा, उसके दुख मिटने शुरू हो जाएंगे। और जैसे जैसे प्रसन्न चित्त व्यक्ति कर्म योगी बनेगा, तो उसकी बुद्धि सब ओर से हटकर परमात्मा में स्थिर होनी शुरू हो जाएगी। मतलब वो अपने आनंद में स्थिर होना शुरू हो जाएगा, वो हर जगह आनंद को खोजेगा, उसे बढ़ाएगा। तो हर व्यक्ति अपने आप को कनेक्ट करे शक्ति से, निर्बलता से नहीं। आपको पाना है संपन्नता, तो ध्यान निर्धनता पर नहीं टिकाना। गरीब ना हो जाऊं, दुखी ना हो जाऊं, जो कुछ मेरे पास है वो छिन ना जाए, इसको नहीं बोलना। क्या बोलना है? मैं समृद्ध रहूं, मैं खुशहाल रहूं। तो एक चीज सब लोगों को अफर्मेशन, वो जो सुबह सुबह बोलना, उसकी प्रैक्टिस कल मैं आपसे सुबह कराऊंगा, जिसमें आप बोल रहे होते हैं मैं सौभाग्यशाली हूं, मैं खुशहाल हूं, मैं स्वर्णिम दिनों की ओर बढ़ रहा हूं, मेरा दुख घट रहा है, मेरा सुख बढ़ रहा है, मेरे दिन अच्छे हो रहे हैं। उस चीज को खींच के अपनी तरफ लाना होता है। इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। तो आपने अपने को कहना है कि संपन्न हो रहा हूं, स्वस्थ हो रहा हूं,
संपन्नता को याद करिए, स्वास्थ्य को याद कीजिए, निर्बलता को याद नहीं करना, शक्ति को याद करना। जगदम्बा के सामने भी बैठे तो शक्ति 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 दे माँ जगदम्बा, शक्ति से भरपूर कर, मैं शक्ति से भरपूर हो रहा हूँ, मेरे वाणी में बल आ रहा है, मेरे व्यवहार में शक्ति आ रही है, मेरे कर्म में शक्ति आ रही है, मेरा भाग्य भी शक्तिशाली बन रहा है, मैं शक्ति स्वरूपा माँ के सामने बैठा हूँ, उसकी ज्योत जगी हुई है मेरे अंदर, वो आ रही है, मैं जाग रहा हूँ, किस्मत जाग रही है। ध्यान करो तो उसमें भी यही भाव लाना, जो उस चीज का आप ध्यान करेंगे वही चीज आपकी तरफ आनी शुरू होगी। इसलिए सदगुरु जब आपको विधि सिखाता है उसे करके आप देखिए। मैंने आपसे बताया था ना वो साइंटिस्ट की बात, जो अपने मन में कल्पना कर रहा था कि मैंने मिलना है और संयोग बना, उसका मिलना पूरा हुआ। तो एक चीज है योग, कनेक्ट होना भगवान से, एक है प्रयोग, जो कुछ उससे मांगा उसका प्रयोग करना, एक है उपयोग, जो कुछ हमने जीवन में प्रयोग किया जिसका योग हुआ उसे जीवन के अंदर धारण करने के बाद समाज के लिए उपयोग करना शुरू कर दें, और फिर बढ़ाने के लिए कि मेरे पास जो कुछ जुड़ा है, जिसका योग हुआ, जिसका प्रयोग हुआ, जिसका उपयोग हुआ, उसके लिए और उद्योग करते जाना है। जो आदमी आगे बढ़ना चाहता है उसे उद्योग करना, उद्योग का मतलब व्यापार नहीं है, उसका मतलब होता है ऊपर उठते जाना, हर दिन स्वयं की तरक्की करते जाना, अपनी कीमत बढ़ाते जाना, क्योंकि हर दिन आपकी कीमत घटेगी या बढ़ेगी। जब आप उपयोगी होते हैं, सहयोगी होते हैं, तो आपकी कीमत बढ़ती जाती है। जिंदगी के आखिरी लम्हे तक कर्म योगी बन के जीना आदत बना लीजिए। भगवान से भी मांगिए, मेरे हाथ पांव चलते रहें, जबान ठीक काम करती रहे, कान ठीक काम करते रहें, पांव ठीक से चलते रहें, अंग प्रत्यंग मेरा साथ देते रहें, और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे अपने भी मेरे सहयोगी रहें, मैं भी उनका सहयोगी बनूं, मेरे चारों तरफ प्रेम की एक शक्ति बन जाए जिसके सहारे मैं प्रेम की दुनिया में जीऊं और इस दुनिया में मीठी यादें छोड़कर इस दुनिया से विदाई हो, ऐसे प्रार्थना करो। तो भगवान ने जो कहा कि अंतकरण को अपने आपे को वश में करना सीखिए, प्रशिक्षण लेना है आपको, कैसे इसकी बात भी आपको बतानी है। विश्व में अनाथ समस्या भयावह है, भारत में अनाथ लावारिस बच्चों की संख्या 4 करोड़ से अधिक है। बेबस लाचार भोले बचपन को आपके प्रेम और सहयोग की जरूरत है। हम सूरत, गुजरात और कानपुर, उत्तर प्रदेश में 2 अनाथालय चलाते हैं। अत्यंत गरीब 1000 बालक बालिकाओं के लिए फरीदाबाद हरियाणा में ज्ञानोदय विद्यालय और झारखंड प्रदेश में नक्सली समस्या आतंकग्रस्त क्षेत्र में आदिवासी बालक बालिकाओं के लिए 2 स्कूल संचालित करते हैं। इस महान कार्य के लिए आपके आर्थिक सहयोग से इन बच्चों का भविष्य संवर सकता है। यदि आप विश्व जागृति मिशन के इन बाल विकास योजनाओं से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें विश्व जागृति मिशन आनंद धाम आश्रम, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली 110041, दूरभाष 011-4710-4610-28-34-5656 और 28-34-47-67, टोल फ्री नंबर 1800-118188। जीवन संचेतना, लाखों पाठकों की बुद्धि को सचेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका
जीवन संचेतना, ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में। सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली।